नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। माउंट आबू में इन दिनों कम समय में गंभीरता स्थान, नित्री सी जान प्यारी सी मुस्कान, कोरोना वेरियस के स्मृति चिन्ह देकर सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। इन दिनों शहर में संस्था द्वारा पुलिस कर्मियों को लेकर समाज सेवियों एवं शिक्षकों के क्षेत्र में जो कोरोना वेरियस अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहे हैं उसका हौसला अफजाई करने के लिए संस्था ने शहर में मूफिया की शुरुआत की है, जिसको लेकर आज पूर्व मुख्य सचेतक एवं मंत्री रतन देवासी, समाज सेवी सुधीर जैन, ज्ञान ज्योति उदयपुर के अध्यक्ष राहुल मेघवाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के प्रदीप मेघवाल, मजर खान, हरीश गोयल, सलमान खान, महेंद्र सिंह, अभिषेक, समाजसेवी गुलाम शब्बीर कुरैश, जगमन मेघवाल, महेश दीपक आदि मौजूद रहे। सिरोही से हमारे संवाददाता दिनेश मेघवाल की रिपोर्ट। मैं राहुल, ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान से। आज माउंट आबू के नगरवासियों ने रतन जी साहब का और हमारा स्वागत किया। मैं बहुमान करता हूँ सभी नगरवासियों का और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि जितने भी यहाँ कोरोना वॉरियर्स हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सरकार जो प्रशासन का पालन कीजिए। धन्यवाद। संस्था द्वारा आज को आपको सम्मानित किया गया कोरोना योद्धा के लिए, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, इन सब लोग जो आप सभी लोग हैं, आप भी हो, सभी लोग हैं जिन्होंने किया उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी लोगों ने भी किया है पर मैं समझता हूँ ये तो आप लोगों की भावनाएं हैं जो आप लोगों ने प्रकट की और ठेठ वहाँ से चल के आप लोग आए। पर ये समय ऐसा है और इतनी विकट परिस्थिति है इस महामारी में कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग मिलकर समाज के आम व्यक्ति के लिए काम करें, उनको गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है हमारी उससे अवगत कराएं। और चूंकि अब इसी के साथ हमको आदत डालनी पड़ेगी जीने के लिए, तो जो एडवाइजरी का आज हम पालन कर रहे हैं उसे हम दैनिक जीवन के अंदर पालन करके आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग सुखी रहेंगे और बहुत सुरक्षित रहेंगे। और सभी लोगों ने, आप लोगों ने मेरे जैसे कई लोगों का भी सम्मान किया होगा तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को और अच्छा काम करना चाहिए और उनको देखकर जो समाज के अन्य लोग हैं उनको भी जो भी परिस्थिति होती है, जो भी आपदा होती है या इस प्रकार की कोई महामारी होती है तो उसमें सब लोगों को इकट्ठा होकर अच्छी तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमसे बहुत कुछ सीखे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।